दोस्तों, अगर आपका फ़ोन भी हैंग करता है, आपका फ़ोन लैग करता है, या फिर दोस्तों आप जब भी अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी ओपन करते हैं तो पता चला एप्लीकेशन ओपन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, फ़ोन अटक अटक कर चलता है, कई बार तो आपका टच ही काम नहीं करता है, तो ये सारी प्रॉब्लम दोस्तों आपके फ़ोन में क्यों होती हैं? क्योंकि आपका फ़ोन जो है वो काफ़ी स्लो हो चुका है और मतलब आपका फ़ोन हैंग कर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको आपके फ़ोन की 4 सेटिंग सिर्फ बताएंगे, उसके बाद दोस्तों आप कोई सा भी फ़ोन यूज कर रहे हो, जी हाँ सैमसंग का हो, चाहे ओप्पो, रियलमी, शाओमी, किसी भी ब्रांड का फ़ोन हो, कितना भी पुराना हो, दोस्तों आपका फ़ोन ऐसे फटाफट चलेगा जैसे कि अभी आप फ़ोन नया लेकर आए हैं, जैसे कि कोई नया फ़ोन परफॉर्म करता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से ध्यान से एंड तक देखना और समझना होगा, ओके। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग यहाँ पर इस बटन को प्रेस करके वीडियो को कर दीजिए लाइक, उसके बाद इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट बॉक्स में आपको एक अच्छी सी कमेंट लिख देनी है, आपको कमेंट बॉक्स में नाइस वीडियो, ऑसम, वेरी गुड, वेरी नाइस लिख के सेंड कर देना है। उसके बाद आपको बैक आना और इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। आप जैसे ना कुछ कर लेते हैं, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि आज जो मैं आपको आपके फ़ोन की 4 अल्टीमेट सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूं, इससे दोस्तों आपके फ़ोन को ये इतना ज़्यादा फास्ट कर देंगी कि दोस्तों आपके फ़ोन में जो स्लो है, हैंगिंग की प्रॉब्लम है, लैगिंग की प्रॉब्लम है, इन सभी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्ले स्टोर से हैंगिंग का क्या रीज़न होता है? तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर 99.9% लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले अपने प्ले लोगो पर यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्ले प्रोटेक्ट का। अब दोस्तों आपको इस पर टैप करना है। अब यहाँ पर आप जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सेटिंग बंद होगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसे आपको ऑन करना है सबसे पहले। तो आपको यहाँ पर सेटिंग का लोगो ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको 2 सेटिंग्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ये दोनों सेटिंग बंद होती हैं। तो आप जैसे पहली सेटिंग ऑन करेंगे ये दोनों सेटिंग अपने आप ऑन हो जाएंगी। उसके बाद आपको बैक आना और अपने फ़ोन को स्कैन करना है। अब दोस्तों आप जैसे अपने फोन को स्कैन करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं लिख के आ चुका नो हार्मफुल एप्स फाउंड, मतलब हमारे फोन में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जिसकी वजह से हमारा फोन स्लो हो रहा है, हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है। लेकिन आप जब आपका फोन हैंग करेगा तो यहां पर आपको कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन जरूर मिलेगी जो आपके फोन को स्लो कर रही है। तो आपको फौरन उस एप्लीकेशन का जो है क्लियर डाटा कैश वैश कर देना है या फिर उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना होगा, ओके। तो यहां से दोस्तों इस सेटिंग को करने से आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो ये काफी कमाल का फीचर है प्ले स्टोर का, इसे आपको हमेशा ऑन करके रखना, ओके। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा काम करना है। तो दूसरी सेटिंग करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद यहां पर सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहां पर टाइप करना है और यहां पर आपको बिल्ड नंबर लिखना है। अब दोस्तों आप जैसे बिल्ड नंबर लिखेंगे यहां पर आपको बिल्ड नंबर पर 7 बार टाइप करना है। अब दोस्तों आप जैसे 7 बार टाइप करेंगे तो आपके फोन में एक नई सेटिंग ओपन होकर आ जाएगी जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। तो आपको सेटिंग में जाना है तो सबसे नीचे आपको डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग मिल जाएगी, ये ऊपर एडिशनल सेटिंग में आप जाएंगे तो यहां पर आपको डेवलपर की सेटिंग मिल जाएगी, तो इसे आपको ओपन करना है। अब दोस्तों यहां पर आप इसे ओपन करेंगे तो आपको नीचे जाना है और नीचे यहां पर दोस्तों आपको एक सेटिंग ढूंढ लेनी है जो काफी कमाल की सेटिंग है। तो चलिए मैं यहां पर सेटिंग ढूंढ के दिखा देता हूं और यहां पर वो सेटिंग का नाम है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का। तो यहां पर आप दोस्तों हम सभी अपने फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन करते हैं, यूज़ करते हैं, बंद कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में दोस्तों उनका प्रोसेस जो है ऑन रहता है और इससे हमारा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, हैंग करता है। तो इसे आपको क्या करना है, नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर सिलेक्ट कर देना है। अब दोस्तों अगर आपके बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस ही नहीं होगा तो आपका फ़ोन वैसे ही हमेशा स्मूथली फास्ट तरीके से चलेगा, ओके। अब दोस्तों ये 2 सेटिंग करने के बाद आपको तीसरी सेटिंग करनी है। तो कई बार क्या होता है कि जब आपके फ़ोन की जो रैम होती है वो फुल हो जाती है, भर जाती है, तो आपका फोन भी हैंग करता है, बल्कि ज्यादातर मामलों में काफी ज्यादा हैंग करता है। तो अब आपको अपने फोन की रैम बढ़ानी है, तो अब 99% फोन में जो है रैम बढ़ाने का ऑप्शन होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है और यहां पर एक बार फिर से आपको सर्च करना है रैम। आप जैसे सर्च करेंगे आपको रैम का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको रैम में जाना है और यहां पर रैम एक्सपेंशन के नाम से सेटिंग मिलेगी या रैम प्लस के नाम से सेटिंग मिलेगी, तो यहां पर आपको बढ़ा लेना है, जैसे कि 4 GB, 6 GB, 8 GB। तो
आप चाहें तो 8 GB तक बढ़ा सकते हैं, कई कई फोन में 12 GB तक भी होता है। तो इसे बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना फोन एक बार फिर से स्विच ऑफ करना है, उसके बाद दोस्तों आपकी रैम बढ़ जाएगी। तो फिलहाल मुझे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। तो आपको रैम अगर फोन हैंग कर रहा है तो जरूर बढ़ा लेनी है, ओके। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको अपने फोन के अंदर चौथी सेटिंग करनी है, और चौथी सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपके फोन की हैंगिंग प्रॉब्लम से आपको 100% हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों चौथी सेटिंग में क्या होता है कि आपका जो प्ले स्टोर होता है इसके थ्रू आपके स्टोरेज में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन पड़े होते हैं जो आपको पता ही नहीं होता है, और जब वो भर जाते हैं तो आपका फोन हैंग करता स्लो हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है, उसके बाद दोस्तों आपको लोगो पर क्लिक करना है, और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज एप्स एंड डिवाइस, तो यहां पर टैप करना है, उसके बाद यहां पर मैनेज पर क्लिक करना है, और यहां पर इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो यहां पर क्लिक करना, उसके बाद नॉट इंस्टॉल पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहां पर आप देखते हैं कितने सारे एप्लीकेशन हैं जो हमारे फोन में हैं। अब ये एप्लीकेशन वो हैं जो आपने कभी इंस्टॉल किए थे उसके बाद डिलीट कर देते हैं, लेकिन वहां से डिलीट कर देते हैं, लेकिन यहां से ये सभी एप्लीकेशन आपके फोन की जो स्टोरेज है मेमोरी है उनमें भरे होते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं 44 MB, 13 MB, 100 MB, 4 MB, 72 MB, तो इस तरीके से इसे आपको इस तरीके से इन सभी को डिलीट कर देना है। तो इन सभी को मैं बाद में डिलीट करूंगा, काफी ज्यादा कुछ मैंने डिलीट करके आपको दिखा दिए हैं। तो यहां पर आपको एक भी एप्लीकेशन नहीं रखना है। तो बस दोस्तों इससे क्या होगा कि आपके फोन की जो स्टोरेज है वो काफी ज्यादा खाली हो जाएगी और आपके फोन की हैंगिंग प्रॉब्लम 100% दूर हो जाएगी। तो बस दोस्तों इन कुछ सिंपल सी सेटिंग से आप अपने किसी भी फोन की हैंगिंग प्रॉब्लम, लैगिंग प्रॉब्लम को दूर करके अपने फोन को काफी ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी इसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो।